कि जिस विश्वास से हमने वोट दिया था वो ना महंगाई कम हुई, क्योंकि वो कह के ही आए थे कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो डेफिनेटली लोकसभा के लिए तो मैं मोदी को चूज करूंगा। मनीष तिवारी जी या संजय टंडन जी? संजय टंडन। जबकि लास्ट टाइम लोगों की यही रहती थी भी हमारी जो एमपी है वो हमारे शहर में ही नहीं रहती है ना। अर्थ प्रकाश टीवी के दर्शकों को नमस्कार, और मैं चंडीगढ़ से खुशविंदर सिंह, कैमरामैन अशोक टंडन के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और चंडीगढ़ की संसदीय सीट हमेशा से ही चर्चा में रही है। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं, और इधर अर्थ प्रकाश टीवी की भी चुनावी चौपाल सज चुकी है। ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और यहाँ आए हुए लोगों से हम पूछते हैं उनकी राय सरकार के कार्य पर, विपक्ष के प्रति उनके रवैये पर। कि दोनों ही जो नेता हैं वो लोकल मुद्दों को छोड़ के और जो नेशनल मुद्दों के ऊपर जनता से वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, हर एक को, अब मान लो कोई ये कहते हैं कि हमने वहाँ ब्रिज बना दिया कर दिया, अब मैंने कभी ब्रिज पे जाना नहीं है मान लो, तो लोकल मुद्दा सही है। अब वो कहते हैं 370 हटा दी, कश्मीर में आप प्लॉट ले सकते हो, मुझे तो लेने नहीं, मुझे यही प्लॉट नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो लोकल चाहिए सब कुछ और होना भी यही चाहिए। बाकी जो मेन बात यह है कि 2014 में हमने जो मोदी जी पे विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि वो जो महंगाई और जो मेन मुद्दों पे आए थे ना जी, उससे बड़ा दिल टूटा है कि जिस विश्वास से हमने वोट दिया था वो ना महंगाई कम हुई, क्योंकि वो कह के ही आए थे कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो वो ना महंगाई कम हुई जी। आप देख ही सकते हैं, हम तो मेरा पर्सनली मानना ही है कि मोदी जी अगर कम से कम रेट कम नहीं करते कांग्रेस वाले जो सिलेंडर के हैं, पेट्रोल के हैं, इन सब चीजों, तो कम से कम बढ़ाते भी ना। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका जी? मैं अजय लांबा हूँ। लांबा जी, लोकसभा चुनाव 2024 में जो चल रहे हैं अभी फिलहाल जी, तो जो लोकल हमारे कैंडिडेट हैं दोनों ही, और संजय टंडन जी और मनीष तिवारी जी, और इनमें से आप किसको बेहतर मानते हैं सर? देखिए, इंटेलेक्ट के मामले में या आप ये कहिए कि पार्टी वाइज अगर किसी को चूज करना हो तो डेफिनेटली लोकसभा के लिए तो मैं मोदी को चूज करूँगा। रीज़न भी, ही स्मार्ट इनफ, वो उसको उनको हैंडल करना आता है, राजद ने वर्ल्ड भी कैप्चर कर लिया है, तो फाइनल वे आई चूज बीजेपी। ठीक है, आप बीजेपी को चुनेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा था जी कि अगर चंडीगढ़ के मुद्दों की बात करें, वो ज़्यादा बढ़िया बेहतर तरीके से कौन इसको हमारी समस्या को सुन पाएगा, हल पाएगा, तो उसमें से आप दोनों में से किसको चूज करते हैं, मनीष तिवारी जी को या संजय टंडन जी को? देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ सबसे टॉप से चलती है, जो मोदी जी की जो एक ये कह लीजिए कि इच्छा है फॉर द एंटायर इंडिया, तो उसमें चंडीगढ़ भी आता, तो अगर ईच एंड एवरी एमपी वो परफॉर्म करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ वो मोदी को दिखती है, तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि मोदी जी ही इसके पीछे है, तो संजय टंडन विल परफॉर्म बेटर देन मनीष तिवारी। सर, जो अभी पीछे देखने में आया है कि जो क्या मनीष तिवारी जी हैं और क्या संजय टंडन जी हैं, दोनों ही लोकल मुद्दों को छोड़कर नेशनल मुद्दों पर चंडीगढ़ की जनता से वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, चंडीगढ़ पूरे नेशनल एजेंडा में आता है, तो अगर नेशन ही बढ़ रहा है तो चंडीगढ़ भी तो बढ़ेगा ही ना, तो अगर बड़ा सोचेंगे तो इसमें छोटा समाज आता है, अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ ही सोचेंगे तो देश का क्या होगा? निशा जी, चंडीगढ़ से दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी चुनावी सभाएं शुरू कर दी, संजय टंडन जी और मनीष तिवारी जी, लेकिन जितने भी वो भाषण दे रहे हैं, जितनी रैलियां अपनी कर रहे हैं, उसमें लोकल मुद्दों को छोड़कर वो नेशनल मुद्दे पे चंडीगढ़ के नागरिकों से वोट मांग रहे हैं, आपकी राय में ये सही है? लोकल मुद्दे, देखो नेशनल मुद्दे भी हमारे लोकल मुद्दे ही एक तरीके से, तो मतलब नेशनल भी होना ही चाहिए काम और लोकल काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोकल पब्लिक तंग होगी तो उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, लोकल पब्लिक का भी बेनिफिट होना चाहिए, उसमें नेशनल का भी होना चाहिए, है तो इंडिया ही ना। ठीक है जी, और मौजूदा सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं?
अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है यहाँ पे, हाँ बस थोड़ी बहुत की जरूरत है, आगे शायद उससे भी उसमें भी फर्क आ जाए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। ईवीएम का जो विरोध है वो लगातार विपक्ष कर रहा है, ईवीएम के बारे में आप क्या जानती हैं, आप क्या कहेंगी ईवीएम के बारे में? वो तो वोटिंग है, मेरे को लगता है इंडिया की जो मतलब इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर तो नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए हमें, ठीक है, वो तो जेन्युइन रहेगी ना, अब किसके ऊपर बिलीव करोगे इसके बाद? चलो छोटा सा एक और सवाल जी, मैंने तो देखो वोट दिया था ना, मनीष तिवारी जी या संजय टंडन जी? संजय टंडन। विनोद जी, चंडीगढ़ संसदीय सीट से मुख्य दो उम्मीदवार, दो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मनीष तिवारी जी और संजय टंडन जी, वो लगातार अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आया कि वो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर और वो नेशनल मुद्दों के ऊपर, राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चंडीगढ़ की जनता से वोट मांग रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखो जी, कोई भी अगर हम एमपी की बात करते हैं जो देश के लिए खड़ा होता है, तो वो बेसिकली तो कैंडिडेट तो एक हमारे राष्ट्रीय उसी से खड़ा होता है वो, तो जो भी उनको रैलियां होती हैं कुछ भी होता है वो नॉर्मल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के उसके ऊपर वो काम कर रहा होता है, क्योंकि सीट तो उन्हीं ने देनी होती है उनको, तो बट जो लोकल बंदे को, हमारे एक लोकल पर्सन को लेके साथ में चलना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि लास्ट टाइम लोगों की यही रहती थी भी हमारी जो एमपी है वो हमारे शहर में ही नहीं रहती है ना, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखो हर जगह पे होती है, बट काम तो देखो राष्ट्रीय या देश के जो भी होते हैं, वो कोई सिटी ले लो कोई स्टेट ले लो, वो होते तो ऊपर के लेवल से ही है, बाकी तो देखो देश में विकास तो हो ही रहा है उस टाइप से, लोग ऐसा नहीं है अभी लोग इससे खुश नहीं है, लोग सभी खुश हैं, और आज की जो भी डेट में जितने भी 5 सालों या 10 सालों में आज की डेट में जो काम हुए हैं उसमें एवरेज पर्सन जो भी आप देखते हो तो वो सभी हैप्पी हैं, खुश हैं इस टाइम से, मेरे को जो मेरा जो ओपिनियन यही है। आपने एक बात कही कि किरण खेर जो स्थानीय सांसद थी वो चंडीगढ़ में नहीं रहती थी, तो अगर चंडीगढ़ में नहीं रहती थी तो चंडीगढ़ में कुछ मुद्दे थे वो आपके हिसाब से वो सॉल्व हुए या नहीं हुए? देखो जी, जो मेयर वाली ही या जो भी हमारे यहाँ के काउंसलर होते हैं वो लोकल, उनके थ्रू जो भी काम होते हैं हमारे शहर के, वो काम तो देखो सभी हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हुए हैं ना, लोगों की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मैंने देखा है कई बार, तो हम चले जाते थे अपने मेयर के पास भी, तो हमारे जैसे काम हुए हैं, पहले अरुण सूद जी थे वो भी हमारे कई, जैसे कोई काम रुक गया है उन्होंने भी उन मुद्दों को सुलझाया किया, ऐसा नहीं है अभी वो काम नहीं हुआ, मेरी तरफ से तो ऐसा है सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बाकी नहीं, जो राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अब जैसे आपका जो ये बिजनेस प्रोमाइसिस है, ये बूथ है, तो चंडीगढ़ बूथ एसोसिएशन की बड़ी देर से डिमांड रही है कि उनको डबल स्टोरी करने की इजाजत दे दी जाए, तो इस मुद्दे को आपके दिमाग में है ये मुद्दा उस लेवल पे आप देखते हैं? पिछले 10 सालों से किरण खेर जी थी तो आपने अपना ये मुद्दा उनके पास लेकर गए? इस टाइप से तो देखो कोई काम नहीं होते हैं, जैसे अभी पंचकूला में लोगों को परमिशन मिली है जिनके बूथ थे जो बहुत पुराने बैठे हुए हैं, ठीक है, बट ये कई बार इस टाइप से हमने उनको बोला भी है, वो यही रहता भी नेक्स्ट ईयर देखेंगे अगले साल देखेंगे, उस टाइप की लोगों की जो भी उम्मीदें थी उनसे वो नहीं उन चीज़ों पर फुलफिल कर पाए हैं, बट वो यही कहते हैं अभी ये हमारे हाथ में नहीं होता, अभी इनके बाय लॉज हैं कुछ हैं, अब जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनके ऊपर नहीं बनाया जा सकता, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, बाकी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, ये तो है नहीं कि उन्होंने एक बार बोल दिया और वो ठीक है इम्प्लीमेंट हो गया, तो बाकी भी बहुत चीज़ें हैं, पार्किंग है, अब ये जो मार्केट बनी हुई है ये आज की मार्केट तो है नहीं, जब चंडीगढ़ अराउंड मेरे हिसाब से ये 70 की मार्केट बनी हुई है उस टाइम पर है ना, आज ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन गई है, तो ये काफ़ी छोटी दुकानें हुआ करती थी उस टाइम से भी, जो डेली नीड्स थी लोगों की इस शहर की या इस सेक्टर की उसको फुलफिल करने के लिए बनी थी। चलिए एक छोटा सा और सवाल, मनीष तिवारी या संजय टंडन? इस टाइप से तो मैं तो नॉर्मली हमारे एक तो बिल्कुल पड़ोसी हैं वो, और वैसे भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं तो संजय टंडन का ही नाम लूंगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जी? सर मेरा नाम डॉक्टर अनुज गुप्ता है और मैं एक डीन हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब। राइट सर, तो सर अभी जो लोकसभा चुनाव है
तो इसमें चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट हैं वो नेशनल मुद्दों को लेकर सर वोट मांग रहे हैं चंडीगढ़ से, जबकि चंडीगढ़ की अपनी बहुत सी समस्याएं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो वोट का सिस्टम है वो नेशनल इलेक्शन है इस टाइम, तो हम लोग इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें इंडिया को पहले रख के तब वोट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी सिटी भी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, आप लोकल ही हैं, संजय टंडन जी या मनीष तिवारी जी? सर संजय टंडन जी, रीज़न उसका ये है कि चंडीगढ़ को लोकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, तो इस टाइम उनसे अच्छा कैंडिडेट आई गेस अवेलेबल नहीं है, या जैसे भी पार्टी को लगता है कि संजय टंडन जी। डॉक्टर साहब, मनीष तिवारी जी भी कोट कर रहे हैं कि वो चंडीगढ़ से हैं, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ और कैरियर भी उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। सर जितना मुझे पता है, देखो मनीष जी के बारे में आइडिया नहीं है, बट जो हमारे संजय टंडन जी हैं वो रेजिडेंशियल भी यही है उनका, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो कई चीज़ों में, तो उस करके थोड़ा डोमिनेंस उनका ज़्यादा आ जाता है आई गेस।